हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन एंड आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेरियन फूड के बारे में। गाइस, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो जो क्वायरीज मेरे पास आती हैं, जो क्लाइंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ जो मैं उनको समझा पा रहा हूँ आप लोग को भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ, तो मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, जो लोग चिकन एग फिश कंज्यूम नहीं करते हैं, वो प्रोटीन कहाँ से लें। एंड जो हम बात करेंगे वेजिटेरियन फूड के बारे में, कि बहुत से लोग ऐसा लगता है कि सर अगर हम वेजिटेरियन हैं हमारे पास प्रोटीन के कोई सोर्सेज नहीं हैं, तो वो लोग गलत सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में प्रोटीन के सोर्सेज नहीं हैं, कम हैं, लिमिटेड हैं, बट हैं। आज हम उसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो फूड है, वेजिटेरियन फूड है जिससे हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं मिल्क, कॉटेज चीज़ एंड कर्ड। अगर आप मिल्क से प्रोटीन लेना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो दूध होना चाहिए वो लीन मिल्क, यानी कि फैट फ्री मिल्क होना चाहिए, क्योंकि मिल्क से मिलने वाला फैट हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड पनीर और कर्ड को आप अपने डेली मील में इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें, ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रोटीन उसमें मिल सके। सेकेंड फूड जिसकी मैं बात करूंगा वो है बीन्स। बीन्स अगर आप देखें तो वेजिटेरियन में सबसे अच्छा एक ऑप्शन है जो वेजिटेरियंस हैं, बीन्स का। बीन्स में आप लाइक बीन्स, पल्सेस, चिक पीस, ब्लैक ग्राम्स, तो ये सब चीज़ों से आप अच्छा खासा प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं गाइस। जैसे कि आप देखें कि वन बाउल ऑफ बीन्स में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम कार्ब, ये मैं एक आप रफली रेशो बता रहा हूँ आपका, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 15 ग्राम प्रोटीन एक बाउल में अगर आप बीन्स लेते हो और 50 ग्राम कार्ब्स आपको मिलेंगे, जो कि एक अच्छा खासा रेशो है जो आपको वेजिटेरियन फूड से मिल रहा है। बीन्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने लंच में एंड ब्रेकफास्ट में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। हम बात करते हैं जो थर्ड सोर्स है हमारा प्रोटीन का, वो है सोए। तो सोए से बनने वाली चीज़ें जैसे कि सोए पनीर, सोए मिल्क, सोए बीन्स, सोए चंक्स, ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए गाइस। जैसे कि आप बात करें कि सोए चंक्स अगर आप 50 ग्राम लेते हैं तो लगभग उसमें आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और उससे डबल कार्ब्स, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप सोया चंक्स को अपनी मील में इंक्लूड करते हैं, सोया मिल्क को अपनी मील में इंक्लूड करते हैं। बहुत सी क्वायरीज हैं सोए को लेकर कि सोए से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है गाइस। देखिए, अगर आप एक मॉडरेट लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इसको कंज्यूम करते हैं तो एस्ट्रोजन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप दिन भर ही सारी प्रोटीन आप सोए से लेंगे, सुबह की मील से लेकर रात की मील तक, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो आपको सोर्सेज बताए, चाहे वो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो आपके बीन्स हों, चाहे वो सोए प्रोडक्ट्स हों, आपको इनको डिवाइड करके लेना है अपने मील्स में। आप 20% 20-30% प्रोटीन आप डेयरी प्रोडक्ट से ले लीजिए, 25% प्रोटीन आप सोए प्रोडक्ट से ले लीजिए, और रेस्ट ऑफ द जो प्रोटीन बचा वो आप बीन्स से ले लीजिए। इस तरीके से अपनी मील्स को डिवाइड करके आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इन सोर्सेज से ले सकते हैं, जिससे आपका एटलीस्ट जो एक एवरेज इंसान को प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी से जस्ट डबल ग्रोथ के लिए, उस फिगर को आप लगभग लगभग टच कर पाएंगे अगर आप प्योर। नो डाउट नॉन वेज में जो चिकन फिश और एग्स से हमको जो प्रोटीन मिलता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, नो डाउट नॉन वेजिटेरियंस वाले इस पॉइंट पर प्लस में रहते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं जो वेजिटेरियन हैं और वो अपना जो प्रोटीन है उसको फुलफिल करते हैं वेज प्रोडक्ट से, वेज सोर्स से। सो गाइज, ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि आप अपनी डाइट में किस तरीके से प्रोटीन को ले सकते हैं वेज सोर्स से, बीन्स, सोए प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी हो गाइज तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।